ड्रैगन और बाघ का आया काल। रूस यूक्रेन टकराएंगे, मियां की शामत लाएंगे, चचा भी नहीं बच पाएंगे, पाक और चीन साफ हो जाएंगे। रण की तैयारी है, अब युद्ध की बारी है। दोस्तों, महाविनाश आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। वो दिन दूर नहीं जब युद्ध की गर्जना होगी, आग के शोले धधक रहे होंगे और हर तरफ चित्कार होगी। विनाश के स्पट कथा में कई देश बर्बाद हो जाएंगे, ड्रैगन की हेकड़ी निकल जाएगी और मियां इमरान की चूले हिल जाएंगे। साजिशों का जो ताना बाना वो बुन रहे हैं, उसके चीथड़े उठ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप, महाविनाश का आगाज अब होने ही वाला है। इस विनाश के बाद जो तस्वीर होगी वो भयावह होगी, जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी और मन सिहर उठेगा। दोस्तों, महाविनाश की पूरी विनाश लीला मैं आपको बताऊंगा, ये भी बताऊंगा कि कैसे चीन और पाक इसमें बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र परिषद में सोमवार को यूक्रेन सीमा हालात के संबंध में चर्चा के लिए होने वाली बैठक से पहले प्रक्रियात्मक मतदान में भाग नहीं लिया। भारत ने कहा कि शांत और रचनात्मक कूटनीति समय की जरूरत है और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के परे हित में सभी पक्षों को तनाव बढ़ाने वाली किसी भी कदम से बचना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि भारत, रूस और अमेरिका के बीच चल रही उच्च स्तरीय सुरक्षा वार्ता के साथ साथ यूक्रेन रूस सीमा पर भी बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। तिरुमूर्ति ने कहा कि भारत का हित ऐसा समाधान खोजने में है जो तनाव को तत्काल कम कर सके और लंबे समय तक शांति और स्थिरता हासिल कर सके। दोस्तों, एक तरफ यूक्रेन रूस विवाद को लेकर यूएन में बैठक हुई तो दूसरी तरफ दोनों देशों की सीमाओं पर अभी तनाव बना हुआ है। अमेरिका ने पहले ही अंदेशा जाहिर किया है कि रूस फरवरी में किसी भी दिन हमला कर सकता है। हालांकि रूस ने इससे इनकार कर दिया है, बावजूद इसके सीमा पर तनाव बरकरार है, क्योंकि रूस ने सीमा पर 1,00,000 से ज्यादा सैनिक और घातक हथियार तैनात कर रखे हैं, जिससे बॉर्डर पर तनाव बना हुआ है। भारी तनाव के बीच 200 अमेरिकी सैनिक यूक्रेन के पोलैंड से सटे शहर लवी पहुंच गए हैं। ये सैनिक यूक्रेन की सेना को रॉकेट लॉन्चर्स को चलाने और जंग की अन्य तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को 300 जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल भी दी है, जो रूसी टैंकों का काल बन सकते हैं। ब्रिटेन ने भी अपने NLAW एंटी टैंक मिसाइल को यूक्रेन को दिया है। ब्रिटिश सेना भी यूक्रेन के सैनिकों को इन मिसाइलों का इस्तेमाल सिखा रही है। रूस और यूक्रेन में जंग के मंडराते बादलों के बीच अमेरिका ने परमाणु बम गिराने का अभ्यास शुरू किया है। इस व्यापक अभ्यास का मकसद अमेरिकी सेना के परमाणु युद्ध की तैयारी को परखना है। अमेरिका ने यह अभ्यास ऐसे समय पर शुरू किया जब काला सागर में रूसी नौसेना के युद्धपोत जोरदार युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि परमाणु बम गिराने के अभ्यास की योजना अमेरिका ने काफी पहले बनाई थी, लेकिन रूस यूक्रेन तनाव के बीच इसे शुरू करने पर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल अमेरिका ने रूस को चेतावनी दी है कि अगर वो यूक्रेन पर हमला करता है तो उसके घातक परिणाम होंगे और उसे कड़े आर्थिक प्रतिबंध झेलने पड़ेंगे। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अगर रूस युद्ध की गुस्ताखी करता है तो पहले के मुकाबले उसके ऊपर और कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे और इन प्रतिबंधों के लिए वो खुद जिम्मेदार होगा। माना जा रहा है कि अमेरिका स्विफ्ट नेटवर्क से रूस का पत्ता काट सकता है, जिससे उसका व्यापार ठप हो जाएगा और वो आर्थिक रूप से और पिछड़ जाएगा, जिसका असर रूस की जनता पर भी पड़ेगा। माना यह भी जा रहा है कि रूस की कमर तोड़ने के लिए अमेरिका रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड या रूबल को विदेशी मुद्रा में बदलने वाले बैंकों पर प्रतिबंध लगा सकता है। अमेरिका की तरह ही जर्मनी ने भी रूस को चेतावनी दी है कि अगर उसने यूक्रेन पर हमला किया तो वो नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन को चालू करने से रोक सकता है, जो उसके लिए बड़ा झटका है। रूस किसी भी हालत में इस प्रोजेक्ट को चालू कराना चाहता है। इसके अलावा यूरोपीय संघ ने भी रूस को चेतावनी दी है कि अगर उसने ऐसी कोई हिमाकत की तो उसका उसे करारा जवाब मिलेगा। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन प्रतिबंधों से रूस की अर्थव्यवस्था पर काफी बुरा प्रभाव पड़ेगा और वो पूरी तरह से पटरी से उतर जाएगी, जिससे रूस की हालत बुरी तरह खराब हो जाएगी। दोस्तों, महाविनाश के इस आंच से चीन और पाक किस तरह झुलस जाएंगे ये आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर दोनों देशों के बीच विवाद की वजह क्या है और ये कब से चली आ रही है। रूस यूक्रेन के विवाद के पटका था, यूक्रेन से क्या चाहता है रूस। दोस्तों, यूक्रेन परंपरागत तौर पर सोवियत संघ का हिस्सा है। आज से 30 साल पहले जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, उस समय यूक्रेन रूस से अलग होकर स्वतंत्र देश बन गया।
यूक्रेन के हिस्से में सोवियत संघ के जमाने के कई महत्वपूर्ण स्थल, बंदरगाह और सैन्य निर्माण इकाइयां आई थीं। हालांकि आजादी के बाद यूक्रेन परंपरागत तौर पर रूस का हमदम बना रहा और साल 2014 तक विक्टर यानुकोविच के राष्ट्रपति पद से अपदस्थ होने तक दोनों देशों के रिश्ते काफी मजबूत थे। लेकिन उनके हटते ही यूक्रेन में रूस विरोधी सरकार आ गई। इस कारण यूक्रेन के रूसी भाषी क्षेत्रों में अस्थिरता पैदा होने लगी। सबसे अधिक प्रभावित क्रीमिया में बढ़ते यूक्रेन विरोधी विद्रोह का फायदा रूस को मिला। इसी को आधार बनाकर 2014 में रूस ने क्रीमिया पर हमला किया और कब्जा कर लिया। हालांकि रूस के खिलाफ क्रीमिया के सैनिकों ने अदम्य साहस का परिचय दिया, लेकिन साजो सामानों की कमी के कारण उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। रूस की मांग क्या है? अमेरिका क्यों लगा रहा अड़ंगा? दोस्तों, असल में रूस चाहता है कि नेटो की सेनाएं 1997 के पहले की तरह अपनी सीमाओं पर लौट जाएं। उसकी मांग थी कि नेटो गठबंधन पूर्व में अब अपनी सेना का और विस्तार न करे और पूर्वी यूरोप में अपनी सैन्य गतिविधियां बंद कर दे। इसके साथ ही रूस अपने ऊपर लगाए गए प्रतिबंधों में भी रियायत चाहता है। मॉस्को का कहना है कि इससे यूरोप में सुरक्षा की स्थिति में सुधार होगा, लेकिन जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है कि अमेरिका और पश्चिमी गठबंधन ने मॉस्को के मुख्य बिंदुओं पर किसी भी तरह की रियायत को दृढ़ता से खारिज कर दिया है। अमेरिका ने साफ कहा है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल होने से स्थायी रूप से प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा और न ही पूर्वी यूरोप में सैनिकों और सैन्य उपकरणों की तैनाती के मुद्दे पर कोई वार्ता होगी। हालांकि तनाव घटाने के मकसद से अमेरिका ने उन क्षेत्रों की रूपरेखा तैयार की है जहां रूस की कुछ चिंताओं का समाधान किया जा सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हमारे रुख में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिसके बाद युद्ध की संभावना और बढ़ गई है। अमेरिका जहां अपने प्रस्ताव को दोनों देशों के लिए फायदेमंद बता रहा है, तो वहीं रूस का कहना है कि अमेरिका गैर जरूरी मुद्दों पर बातचीत करने की बात कह रहा है, जिसका कोई मतलब नहीं है। अब अमेरिका के प्रस्ताव का रूस की तरफ से जवाब दिया जाएगा। इस युद्ध से विनाश होगा, लिहाजा कई देश इसके चिंगारी से झुलसेंगे। चीन और पाकिस्तान भी इससे अछूते नहीं रहेंगे। महाविनाश की आग जलाएंगी, पाक और चीन को झुलसाएंगी। दोस्तों, पूर्वी यूरोप और पश्चिम के बीच लगी इस आग की आंच पाकिस्तान और चीन पर भी आ सकती है। दरअसल पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा रूस और अमेरिका जैसे देशों से होने वाले आयात पर निर्भर है। पाकिस्तान के लिए ये राजनीतिक और आर्थिक दोनों तरह से टेंशन का वक्त है। दरअसल पाकिस्तान रूस से अपनी दोस्ती बढ़ा रहा है, इसलिए मामले पर टिप्पणी न करके वो बच नहीं सकता और उसे रूस और अमेरिका में से एक पक्ष को चुनना होगा जो उसकी अर्थव्यवस्था पर खासा प्रभाव डालेगा, खासतौर पर जब तेल की कीमतें 90 के आंकड़ों को पार कर चुकी हैं और $100 प्रति बैरल के आंकड़े को छूने वाली है। इसको लेकर पाकिस्तानी सरकार घबराई हुई है, क्योंकि तेल की बढ़ती कीमतों से देश के विकास की संभावनाओं पर बुरा असर पड़ सकता है। पाकिस्तान के एक समाचार पत्र के मुताबिक अगर आयात में कटौती नहीं की जाती है और निर्यात नहीं बढ़ता है, तो इससे पाकिस्तानी मुद्रा पर दबाव बढ़ सकता है और ये ₹200 प्रति डॉलर जा सकता है। सिर्फ कुछ महीनों के लिए भी अगर तेल की कीमतों में $10 से $20 की बढ़ोतरी होती है, तो ये पाकिस्तान के भंडार को $1 से $2 बिलियन का झटका दे सकती है। इससे पाकिस्तान की खरीद क्षमता को भारी नुकसान होना तय माना जा रहा है। यूक्रेन रूस के युद्ध से अगर मियां इमरान का देश प्रभावित होगा, तो चचा जिनपिंग का चीन भी इससे नहीं बचेगा। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि चीन चोरी की तकनीक का इस्तेमाल करने में माहिर है। उसके ज्यादातर सैन्य हथियार और लड़ाकू विमान दूसरे देशों की कॉपी है और इसके लिए वो यूक्रेन का इस्तेमाल करता है। अगर युद्ध हुआ तो वहां हिंसा बढ़ जाएगी, जो चीन के लिए किसी भी कीमत पर सही नहीं होगी। एक अस्थिर यूक्रेन चीन के क्लोन हथियारों के निर्माण के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसके अलावा यूक्रेन चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भी भागीदार है। अगर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हुआ, तो उसकी ये योजना भी प्रभावित हो सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सोवियत यूनियन के टूटने के बाद रूस का हथियार मार्केट चीन और भारत के भरोसे चलता रहा है, लेकिन इस दौरान यूक्रेन रूसी सबसिस्टम और हथियारों का चीफ सप्लायर बन गया। हालांकि चीन ने रिवर्स इंजीनियरिंग तरीके से इन हथियारों की कॉपी बनानी, लेकिन रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए रडार और दूसरे उपकरणों को बनाना चीन के लिए मुश्किल भरा काम है। लिहाजा उसने अवैध रूप से बनाए गए लड़ाकू विमानों के लिए रडार को यूक्रेन में बनाना शुरू किया। यही नहीं, चीन ने यूक्रेन की सबसे कीमती हथियार कंपनी को खरीदने की कोशिश भी की। दरअसल चीन का इरादा रूस से खरीदे जाने वाले हथियारों पर से अपनी निर्भरता को कम करना है। दुनिया जहां यूक्रेन की हथियार कंपनियों की ताकत को कम करके आंक रही है, वहीं चीन ने इन्हें अब अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया है। एक नाटो अधिकारी ने कहा कि अगर अमेरिका, नाटो और अन्य देश यूक्रेन के रक्षा उद्योग में अपनी पहुंच नहीं बनाते हैं, तो एक बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। अगर यूक्रेन के साथ अन्य देश साझेदारी नहीं करते हैं, तो देश की टेक्नोलॉजी चीनी हाथों में चली जाएगी।
दोस्तों, यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध की आशंका को देखते हुए भारत ने इस पर पैनी नजर बना रखी है। भारत को उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच सुलह हो जाएगी और युद्ध का शंखनाद नहीं होगा, लेकिन युद्ध हुआ तो भारत के अमेरिका, यूरोप और रूस से कूटनीतिक संबंध प्रभावित होने की आशंका है। साथ ही चीन के मोर्चे पर भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल रूस भारत का पुराना मित्र है, लेकिन उसकी चीन से मजबूत साझेदारी LAC पर भारत की मुश्किलें बढ़ा सकती है। यही नहीं, अगर भारत किसी भी पक्ष के साथ जाता है तो दूसरे पक्ष का नाराज होना लाजमी है। ऐसे में चीन ने भी रूस का समर्थन कर दिया है, जो भारत के लिए किसी भी दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। मतलब उसके लिए एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। इसके साथ ही यूक्रेन के साथ भारत के 3 दशक पुराने व्यापारिक रिश्ते हैं और वहां करीब 10,000 भारतीय भी रहते हैं। इसलिए भारत यही चाहता है कि बातचीत के जरिए मुद्दा सुलझ जाए और टकराव की नौबत ही ना आए। दोस्तों, मैं यहां ये भी बता दूं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास हर बीमारी का इलाज है, चाहे वो कितनी भी भयानक क्यों ना हो। लिहाजा इस मुद्दे का भी वो कोई ना कोई समाधान जरूर निकाल लेंगे, ऐसा मेरा भरोसा है। आपके इस बारे में क्या राय है, अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और साथ में ये भी बताना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।